हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अनुराग भाई, आप तो इतने पुराने दोस्त हो, आपको इनमें ज्यादा पुलिस वाले गुण देखते हैं कि चोर वाले गुण देखते हैं? मैं इनकी इंटेंसिटी यूज करने में मजा आता है। मुझे क्या कि रोल अच्छा हो ठीक है, लेकिन उसके पीछे का चेक कितना मोटा है ये भी देखना पड़ता है। नहीं, वो तो बिल्कुल मोटिवेशन तो चाहिए। मैं हमेशा मनोज भाई से मिलता हूँ, मैं फिर कैंको बसेपुर का वो सीन याद आ जाता है जब आप कपड़े धोते हो ना। ओह माय गॉड, आइकॉनिक सीन। वो इतना मजेदार सीन, मैंने टू गुड यू नो, वो सीन इंप्रोवाइज था। वो इंप्रोवाइज सीन है, उसमें हम लोगों ने वर्कशॉप किया, सब लोग थे, हम लोगों ने थोड़ी रीडिंग की और उसी वर्कशॉप पहले दिन ही अनुराग ने मुझे कहा कि हम लोग वो दुर्गा के लिए ऑडिशन कर रहे हैं। अच्छा, रीमा सेन का तो एस्टैब्लिश एक्टर है, आप भी आओ मेरे साथ थोड़ा। तो मैं चला गया जहाँ पे मुकेश छबड़ा ऑडिशन लेने वाला था, तो इन लोगों ने मुझे छुपा दिया वहाँ कि आप मत देखो ऑडिशन, आप पीछे ही रहो, जहाँ से अनुराग मुझे देख सकता था। अच्छा। तो मैं वहाँ खड़ा होकर देख रहा था, मुकेश ने कहा कपड़े धो, कपड़े धो। तो वो कपड़े धोने लगी नीचे बैठ के, बीच में कहा पता नहीं इसको क्या ख्याल है, इसने कहा कि कुछ। अब मुझे भी लगा कि यार मैं क्या करूँगा यहाँ पे, लेकिन फिर मैं चला गया। और उसके बाद जो भी आपने फिल्म में देखा एग्जैक्टली वही हुआ था जो हमने ऑडिशन में किया था, फिर अनुराग ने उसको सीन में रख लिया था। वाह यार, क्या बात। अच्छा, इनकी दोस्ती तो पुरानी है, मुकद्दर भी ऐसे जुड़े हैं। आप देखो रामगोपाल वर्मा साहब की सारी फिल्मों में मनोज भाई और अनुराग सर ये जरूर होते थे। सत्या में मनोज भाई एक्टिंग कर रहे थे, अनुराग भाई असिस्ट कर रहे थे। कौन में मनोज भाई थे, उसमें अनुराग भाई राइटर थे। शूल में मनोज भाई थे, अनुराग भाई उसमें भी राइटर थे। तो मनोज भाई पहले मतलब ये स्ट्रेटजी आपकी प्लानिंग क्या है, पहले आपको काम मिलता है फिर आप इनको लेके आते हैं, पहले इनको मिलता है ये? रामगोपाल वर्मा साहब को पहले किसने घेरा था पता है? बहुत ही कमाल की घटना। दो इसके पहले सत्या लिखने के लिए दो राइटर आए थे, बट रामू को पसंद नहीं आए वो। अच्छा। तो हम लोग बैठ कर बात कर रहे थे, ऊपर चाय पी रहे थे, और फिर पता चला कि एक्ट वन में प्लेज वगैरह देखता था ये। तो मैंने कहा यार रामू जो है एक राइटर ढूंढ रहा है, तो आप आओगे? तो उसने कहा हाँ चल के मिलूंगा मैं। तो मैं लेके गया इनको। अच्छा जी। वो कमाल की घटना है सर। और रामू को अनुराग बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी लगा, तो रामू के साथ बातचीत होने लगी। फिर रामू शाम के समय वो डंबल उठा के एक्सरसाइज कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा एक्सरसाइज करूँगा, तुम लोग थोड़ा बैठो। उसके बाद हुआ कि सब लोग, अब सबका मूड था, हम सब फुकरे लोग थे, हमें लग रहा था कि शायद कुछ मिल जाएगी हमें, कुछ वाइन वगैरह पीने के लिए कुछ खाना मिल जाएगा। तो शायद रामू को बात समझ में आई, रामू ने कहा ओके, अपने सर्वेंट को बोला कि वो लेके आओ, वो वोडका लेके आओ। नाम था भीकू। हाँ, भीकू नाम था उसका, भीकू मात्रे वहां से आया। अच्छा। तो उसने लाके रखा और सब लोग पार्टी करने लगे, और रामू को अनुराग बहुत इंटरेस्टिंग लगना शुरू हुआ, और अनुराग जो है थोड़े से एक दो के बाद टुन हुआ। और रामू ने बोला कि अच्छा अनुराग, जस्ट टेल मी, मेरी कौन सी फिल्म तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है? अनुराग ने कहा ना, मैं आई डोंट लाइक एनी फिल्म ऑफ योर्स। और मुझे लगा कि मैं सोफे पे जो बैठा था कि मैं, हे भगवान, ये सोफा फटे और मैं अंदर धस जाऊं। और उसके साथ साथ मुझे लगा कि जो चांस मुझे मिल रहा था वो गया। और मैं संभालने की कोशिश कर रहा, नहीं व्हाट ही इज ट्राइंग टू से रामू, कवर करना मुश्किल हो जाता है ना। तुम्हें याद है मैं 21-22 साल का था। तो गाइस, इन्होंने जो मेरी फिल्म की तारीफ की वो सच्ची की है। पीयूष भाई के बारे में हमने सुना, बचपन में ना अरेबियन नाइट्स एक प्ले करते थे, और कुछ ऐसा हुआ कि इनकी वजह से शो को बीच में रोकना पड़ा था। यार मेरी सलवार उतर गई थी चलते हुए शो। क्या सलवार उतर गई थी? मैं 8th में था, 8th में पढ़ता था, मैडम ने दी थी, इतनी खूबसूरत जो अरेबियन नाइट्स का प्ले था, हू डाइड फर्स्ट करके प्ले था, और बहुत ही सुंदर प्ले था। और उसमें जो है मतलब पहली बार मैं लोअर मिडिल क्लास का बच्चा, मुझे जो है बहुत ही महंगे महंगे अरेबियन नाइट्स के कपड़े पहनने का मौका मिला। वो शलवार थी उसकी घेर इतनी थी साली की। उसमें जो है मुझे उस दिन नाड़ा मिला नहीं, तो मैंने उसमें ऑल पिन लगा ली। तो एक स्टेज पर सीन था कि जब हम जो है दोनों
मतलब उसे ऐसा सीन था कि जब बंदा मरता है उसकी बीवी जाके बोलती है किंग से कि वो मर गया, उसके पैसे दे दो उसके फ्यूनरल के। तो मैं चादर ओढ़ी और मैं लेट गया। अब लेटने के साथ ही मुझे मालूम पड़ गया कांड हो गया। अब जो है वो सीन खत्म होना था, अब लेटने के बाद किंग भी आ गया, क्वीन भी आ गई, मेरी बीवी नॉजुल भी आ गई। तो अब सब इंतजार कर रहे कि कब उठेगा ये। और मैंने कहा साला अब नहीं उठ रहा मैं। पड़ा रह गया वहां पर। मैं नहीं उठा तो उन्होंने सीन ऐसा था, वो सीन इसलिए बंद करना पड़ा। सर कुछ अफवाहें हैं, आपको पता है स्टार्स के बारे में उड़ती रहती हैं। मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ, हम बिलीव नहीं करते। अनुराग भाई आपके बारे में ये अफवाह कि आपको डायरेक्शन करने की इतनी आदत है कि अगर आप किसी की बारात में भी जाते हो दोस्त की तो नाचते नहीं हो, डायरेक्शन देने लगते हो कि घोड़ी इधर से निकालो, दूल्हे का बाप आगे रहेगा, चार बैंड वाले इधर, चार बैंड वाले उधर, सेमिट्री दिखनी चाहिए, ऐसा करते हो आप? शादी अटेंड किए काफी समय हो गया मुझे। अच्छा जी। हाँ लेकिन जनरली एक आदत होती है। फ्रेम क्लीन दिखना चाहिए। मनोज सर गैंग्स ऑफ वासेपुर जो है आपके करियर की बहुत कमाल की फिल्म है, पर अफवाह ये है कि जब भी वो टीवी पे आ रही होती है आप अपने बच्चों को दूसरे कमरे में भेज देते हैं। नहीं मेरी बच्ची तो अभी उस उम्र में ही नहीं है जिसको वो देख पाए। मैं ज़्यादातर फिल्में जो की हैं बच्चे नहीं देख सकते हैं। और कई बार माँ बाप जो हैं फ्लाइट वगैरह में मिल जाते हैं तो वो उनकी शिकायत होती है, कोई ऐसी भी फिल्म कीजिए जो पारिवारिक हो। ये शिकायत मेरे माँ बाप की मुझसे। पंकज सर आपके बारे में ये अफवाह है कि आपने मिर्जापुर ये सोच के साइन की थी कि वहां से आपके घर गोपालगंज जाने का भाड़ा कम लगेगा। यस ये सही है। ये क्या अफवाह? नहीं ये, मतलब ये सोच के नहीं किया था, बट जब भी मिर्जापुर का शूट करते हैं ना तो मैं बाई रोड गांव चला जाता हूँ। अच्छा बगल में ही था। क्योंकि पास है, 4-5 घंटे में घर पहुंच जाते हैं। अच्छा इस बार भी गया था तो कहीं ना कहीं अफवाह आधी सच है। तो हाँ मतलब इसमें सच्चाई है, पैसा कम लगता है। पीयूष भाई आपके बारे में ये अफवाह है कि आप इतना तेज तेज इसलिए बोलते हो क्योंकि फिल्मों में आने से पहले आप म्यूचुअल फंड्स के डिस्क्लेमर पढ़ते थे। पहले था ऐसा पहले मैं बहुत तेज बोलता था। इसके बाद में नसीर साहब ने एक बार एक बात बोली थी कि हम बीच बीच में एक्टर्स लोग जो है हम जब बोलते हुए सांस लेना भूल जाते हैं, एक ऐसी टेक्निक बतलाई थी उन्होंने, तो उस टेक्निक को मैंने फॉलो किया और आज की तारीख में मेरी स्पीच बहुत 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 धीमी हो गई है, जिसका मुझे थोड़ा बहुत फख्र है आज की तारीख। क्या बात। हुमा आपके बारे में ये अफवाह है? सच है। कुछ लाया होगा ढूंढ कि गैंग्स ऑफ वासेपुर के शूट में आपने नवाज भाई को इतना डरा दिया था कि वो शूट के टाइम पर अगर वॉशरूम भी जाते थे तो आपसे परमिशन लेके जाते थे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। खत्म बात। नहीं मतलब एक्चुअली वो जो किस्सा है परमिशन वाला वो नवाज की लाइफ में हो रखा है कि एक लड़की, और हम लोग वर्कशॉप कर रहे थे तो बहुत रोते रोते ना वर्कशॉप में बाज दफे क्या होता है आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, कुछ पर्सनल स्टोरीज निकल के आती हैं, तो नवाज बहुत इमोशनल हो गए। उन्होंने बोला कि ये मेरे साथ ऐसे हुआ था कि एक लड़की को मैंने ऐसे हाथ पकड़ा उसे मुझे डांट दिया। तो नवाज तो अनुराग तो लव डिड लाइक ये हम पिक्चर में यूज करेंगे और हंसते हंसते लाइक हाउ इज लाफिंग राइट नाउ लाइक ये पक्का यूज करेंगे। वाह। इसी के साथ ही हमारी अफवाहों का दौर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आज आपको जितना बोलना है ना बोलिए। क्यों? आज हम जवाब में ताना नहीं मारेंगे। क्यों? आज हम कह के लेंगे। आज अलग कॉन्फिडेंस में आए हैं हम। शर्मा जी आपको पता है आज कौन सा वार है? शनिवार। गैंग वार। गैंग ऑफ वासेपुर का लोग आया है तो गैंग वार लगता है। अच्छा आप यकीन नहीं करेंगे इतना खुशी हुआ आप लोग आ रहे हैं, हम क्या लेकर आए हैं आपके लिए? क्या लेकर आए? आपको जानकर मजा आएगा। ठेकुआ। ठेकुआ लाए हैं सर, ठेकुआ लीजिए। बुढ़िया ये क्या है? ठेकुआ। अरे स्क्रिप्ट को थोड़ा साइड में रखिए, रुकिए जरा खाने तो दीजिए। ठेकुआ लीजिए। अरे वाह। अरे लीजिए लीजिए लीजिए। क्या बात। ठेकुआ ठेकुआ। आपको पता है हमारे गांव से कोई शहर में जाता है ट्रेन में टिकटवा हो या ना हो ठेकुआ जरूर होना चाहिए, है कि नहीं?
आपको सच बताऊं, अभी कुछ टाइम पहले हम अपना बकरी को चराने निकले थे। अब चलते चलते हम जंगल में चले गए, सामने आ गया शेर। वो तो ऊपर वाले की दुआ है, हमारे पास ठेकुआ था। शेर ने ठेकुआ खाया? कैसा बात करते हैं, कौन सा शेर ठेकुआ खाता है? शेर ने बकरी को खाया, ठेकुआ हमने खाया। तो किसी को खाता हुआ देखते हैं हमको भूख लग जाता है। ये जो तू ठेकुआ लेके आई, तुझे पता था ये सब लोग आने वाले? अरे कैसा नहीं पता था, बाहर सारी की सारी गाड़ियों पे गमछे सूख रहे हैं। जैसे फिल्मों में कट्टा वट्टा यूज होता है ना गैंग्स ऑफ वासेपुर में, उसका तीसरा पार्ट बन रहा है, तो उसमें वो टैंक यूज करने वाले हैं, तो तेरा ऑडिशन लेना चाहते हैं। शर्मा जी, हमारे भाई ने ठेकुआ लीजिए लीजिए, बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है ना? पीयूष मिश्रा जी, आपसे एक बात पूछना था। हाँ जी बोलिए। आप कभी जाते हैं कोई दुकान होता है, हाँ, उसका दरवाजा फिर आप पुश करते हैं कि पीयूष करते हैं? हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। तो कपड़ा धोने का काम करते हैं। वैसे जैसे अपना हुमा जी, आपका गाना था ना कि सैया काला रे, हमें दे दीजिए, रगड़ रगड़ के चमका के वापस देंगे। लेकिन आपको क्या बताएं, मनोज वाजपेयी जी, आप, हम तो ऐसे तो हम बहुत बड़े फैन हैं आपके, मतलब हम तो हैं ही, हमारे दादाजी, ओहो, हमारे दादाजी बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत भले आदमी थे। क्या हो गया दादाजी को? नहीं कुछ हुआ नहीं, जिंदा आदमी का तारीफ करना क्या गलत बात है। तो ये क्यों बोला, बहुत अच्छे आदमी थे, ये क्यों बोला? क्यों बहुत अच्छे आदमी थे, अब नहीं है। अब 80 साल के हो गए हैं, बूढ़े आ गए हैं। पंकज जी बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, बहुत प्यारे लग रहे हैं। अरे थैंक यू। आपका ये इतना ये आपका ये लुंगी हमारे घर पे छूट गया। ये क्या बोल रही है? धोने के लिए दिया था, वो छूट गया था, उसका बात कर रहे हैं। ये अभी ले लीजिए। तो ऐसा नहीं, हम लौटाने का कोशिश नहीं किए, कई बार इनके घर पे गए लौटाने के लिए, पर ये लुंगी बिना लौटा हमें लौटना पड़ा। क्यों? क्यों? तो घर पे बाहर बड़ा बड़ा लिखते हैं, ओ स्त्री कहलाना। इनका दिल तो है ही अच्छा, तुम्हें स्त्री तो बोला। शर्मा जी, अपना जो ऑडियंस इधर बैठा है ना, इसमें लड़का कितना है, लड़की कितना है? नहीं पता। तो थोड़ा देर गिनती करो, हम बातें करते हैं। वैसा अनुराग जी, आप अभी 10 साल पहले वासीपुर आप चालू कर रहे थे, उसके पहले आप जो शर्ट दिए थे वो धो दिए। हाँ, ये आपका। तो अब क्यों लाइए 10 साल बाद? नहीं ना, ऐसा नहीं है कि पहले देने का कोशिश नहीं किया, हम गए थे इनके घर पे, इनके घर के अंदर से गाली गलौज का बहुत आवाज आ रहा था, हम एकदम घबरा गए, हम डर गए, हम अंदर गए नहीं। बाद में किसी ने बताया कि स्क्रिप्ट रीडिंग चल रहा है। हमारा ना एक बहन भी है, रानी नाम है उसका, वो गांव से आई है, हम उसको पता चला आप लोग आए हैं, वो बहुत उत्सुक है आपसे मिलने के लिए, बुला लें अगर आपका इज्जत हो तो। बुला ले। रानी आ रही है, एक मिनट। बहुत अच्छा एक्टर है जो आ रहा है ना, गौरव। दीदी 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 दीदी, ये तुम्हारी बहन है क्या? एम्बुलेंस है। दीदी दीदी, क्या कर रही है? मैं माना है, इतना प्यार करती हो, सबसे मिलना चाह रही थी, मिलो सबसे। दीदी हम इनसे कैसे मिले, हमने बड़ी मेहनत से ठेकुआ बनाया था, कोई जाहिल हमारा ठेकुआ चुरा लिया। कितना गलत बात है ना सर, आप बताइए कितना गलत बात है, ठेकुआ मेहनत से बनाए, कोई कोई उसको उठा के ले जाए, किसी को ऐसा करना नहीं चाहिए। दीदी वो कभी खुश नहीं रहेगा, जिंदगी भर सिंगल रहेगा। ठीक है, जो रहेगा रहेगा, लेकिन अब क्या है, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ अभी। क्या नहीं दीदी, उसको कीड़े पड़ेंगे।
बढ़ जाएंगे कीड़े उसको, देखो इतना गुस्सा होने वाला बात नहीं है, ठेकुआ तो था, ठीक है अब चलो आगे बढ़ो, लाइफ को आगे बढ़ाओ। नहीं दीदी, हम उसको बद्दुआ देते हैं, वो साइकिल से चले, उसके ऊपर से बाइक निकल जाए, वो बाइक से चले उसके ऊपर से कार निकल जाए, वो कार से चले उसके ऊपर से ट्रक निकल जाए, वो ट्रक से चले उसके ऊपर से हवाई जहाज निकल जाए। इतना बद्दुआ देने का जरूरत नहीं है, ठेकुआ है, ये रहा तुम्हारा ठेकुआ, हम लेकर गए थे, अब क्या है आप बताइए, जरा सा ठेकुआ के लिए इतना बद्दुआ देता है कोई? यहाँ सारा तुम्हारा ठेकुआ मिल गया, इतना बद्दुआ नहीं देते हैं फालतू। दीदी आपने हमारा ठेकुआ चुराया और हमने आपको इतनी सारी बद्दुआएं दे दी। दीदी कहिए पेंसिल, पेंसिल आपकी सारी बद्दुआएं कैंसिल। दीदी कहिए पेंसिल। लड़की अच्छी है, संस्कारी है, पता है अभी एक्टिंग क्लासेस में जा रही है, सीख रही है थोड़ा थोड़ा, ये जो अपना वो लोगों का आवाज निकालना होता है ना, वो अपना मिमिक्री करती है, ये अलग है, सबका आवाज निकालती है, ये आवाज निकाल के दिखाओ इनको। दीदी किसकी आवाज निकाले? मनोज जी, हाँ मनोज जी का आवाज निकाल दो। दीदी वो भड़क जाएंगे। अरे यहाँ पर एंटरटेन होने आए हैं, मिमिक्री अच्छा लगता है सबको, देख अच्छा लगेगा ना सर? हाँ, देख सकते हैं, देखने को तैयार हैं वो, देखो दिखाओ उनको, आवाज निकालो। दीदी भड़क गए तो? अरे हम एक काम करते हैं, वो गिटार वाले भैया है ना, हम उनकी आवाज निकालेंगे। टैलेंट देखो लड़की में कम नहीं है, हीरो हीरोइन छोड़ के सेलिब्रिटी छोड़ के सेलिब्रिटी का दोस्त का भी आवाज निकाल देती है। कमाल है, चलो गिटार वाले भैया का आवाज निकालो। गिटार वाले भैया आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया है, आप ठीक हो? देखा दीदी हमने इनकी आवाज निकाल दी, कब से चुपचाप बैठे थे। ये है तुम्हारा मिमिक्री का टैलेंट, ऐसे निकालते हैं आवाज। अरे मिमिक्री वो होता है जिसमें हम किसी का नकल करते हैं। नहीं दीदी, हमारे टीचर ने कहा है नकल करना पाप है। अरे यार, अरे स्कूल का टीचर का नहीं, एक्टिंग का टीचर का बात कर रहे हैं, एक्टिंग का टीचर ने सिखाया है ना आवाज निकालना अलग अलग। चलो यहाँ पे अगर इनसे डर लग रहा है, जो यहाँ पे नहीं है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी, उनका आवाज निकाल दो। निकालेगी आप, देखिएगा मजा आएगा। बाप का दादा का भाई का ये वाला डायलॉग सुनाऊं? अच्छा है ये वाला डायलॉग ना, बहुत अच्छा है, फेमस डायलॉग है, सुनाओ, लेकिन उनका आवाज में सुना देना है, ठीक है? सुनाओ, ये सुनाएगी अभी। लेकिन यदि मौत को छुके टक से वापस आ जाए, इसमें ज्यादा मजा है। इसमें ज्यादा मजा है तो ज्यादा मजा वाला सुनाओ, जिसमें मजा नहीं है वो हम क्यों सुनेंगे, हम ज्यादा मजा वाला सुनेंगे ना। जी दीदी, लेकिन लोग पागल इस पे हो जाएंगे जब मैं बोलूंगा जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। हम जब तक ना तुमको तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, बेकार का बात मत करो, डायलॉग सुनाना है तो सुनाओ, ये अच्छा डायलॉग है, वो अच्छा, ये बेटर है, ये उससे बेटर है, ये सब मत बताओ हमको, तो डायलॉग है वो तो सुनाओ ना उनका आवाज में। बोलो सुना रहे हैं सर, लड़की बुरी नहीं है, सुनाएगी। आप मेरी बहन हो के इतना भड़क रही हैं, सोची वो कितना भड़कते मुझ पे। ठीक है वो बहुत भड़कते, तुम ऐसा करो ना कोई डायलॉग मत सुनाओ। नहीं है सर, मिमिक्री कैंसिल करते हैं, इसको नहीं आता है। नहीं दीदी मैं सुना, नहीं नहीं सुनना ही नहीं है दीदी, प्लीज। क्या सुनाओगी ना, इतनी बार से बोल रहे हैं तब तो सुना नहीं रही हो, अब नहीं सुनना, अब उनको ही नहीं सुनना है दीदी, वो मना कर रहे हैं सर, ऐसा कीजिए। हाँ मना कर रहे हैं, नहीं सुनना है दीदी प्लीज। अरे प्लीज प्लीज, क्या होता है, जब कहते तब करना नहीं है, जब नहीं कहते तब करना है, क्या हो तुम? अब चलो इधर खड़ी हो, सुना सुना रही है। ये क्या था दीदी? ये मौत को छूके से वापस होने का था। अभी तक मैंने सिर्फ सीखा है, आगे पीछे का बाकी है। ए, हमारे से गलती हुआ कि हम तुमको यहाँ पर लेकर आए, इतना बड़ा बड़ा लोग है, मौका नहीं मिलता है लोगों को इनके सामने खड़े होकर अपना टैलेंट दिखाने का, एक को तुमको मौका दिया तुमसे हो नहीं रहा है, बेकार में तुमको यहाँ पर लेकर आए, तुम जाओ अंदर।
सॉरी दीदी। चलो माफ किया, अभी ज्यादा रोने का जरूरत नहीं, हमको भी बुरा लगता है दिल से इतना चिल्लाते हैं तुम्हें, कोई बात नहीं। देखिए लड़की में टैलेंट है, ऐसा बात नहीं है कि टैलेंट नहीं है, सीखने भी जाते। हाँ सुना हमने। माफ किया तुमको, कह रहे माफ कर दिया। टैलेंट ऐसा बात नहीं, जब सीखने जाते हैं वो जगह गलत अगर सीखा। हाँ बोला ना, सुन लिया। हाँ हम माफ कर दिया है सर, आप भी माफ किया है। हाँ। आप माफ किया है, सब लोग माफ कर दिया है, माफ किया है यूनिवर्सली, सबने माफ कर दिया है। ठीक है सॉरी हम सुन लिए हैं। देखिए जहाँ सीखने जाती है अगर वही लोग गलत चीज सिखा दे तो यार रुक जाते हम देखते हैं, आप रुक जाइए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वक्त है फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर से जुड़े दूसरे अहम किरदारों को मंच पर बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर वरुण ग्रोवर, स्नेहा खानवलकर, आदित्य कुमार, जमील खान, विनीत सिंह, जिशान कादरी। जोरदार तालियां हो जाए। हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड। वरुण भाई को बहुत कमाल के राइटर हैं, बहुत कमाल के लिरिसिस्ट हैं, स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, मैं आपका फैन हूं भाई। और स्नेहा इतना कमाल का म्यूजिक करती हैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए। जिशान भाई जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर लिखी है, जोरदार तालियां इनके लिए। जमील भाई हैं बहुत ही उम्दा एक्टर, जोरदार तालियां। आदित्य के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, परपेंडिकुलर। और हमारे विनीत भाई बड़े कमाल के उम्दा एक्टर। अच्छा नवाज भाई अभी आए नहीं, मैंने उनको बुलाया, वो बोलते पहली जगह नहीं मैं कहाँ हूँ। सो ऐसा है कि अनुराग भाई ने ये फिल्म बनाई दो पार्ट में, तो एपिसोड एक कैसे बन सकता है। सो हम सब मेहमानों के साथ, सारे मेहमान हमारे कल भी मौजूद रहेंगे और हंसी मजाक का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.